कल वृक्ष यहाँ रखने से मैं लौट नहीं आऊंगी। मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं बची। किंतु मेरी इच्छाएं जीवित हैं देवी, मेरी इच्छाएं जीवित हैं देवी, मेरी इच्छाएं जीवित हैं देवी। और इसे लाने का कारण भी यही है। कल्पवृक्ष की इच्छाओं में बताई गई हर इच्छा पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है। सोचा कि आज अपनी एक इच्छा भी पूर्ण कर लूं। कैसी इच्छा? आप मुझे छोड़कर जाएं, उससे पूर्व एक अंतिम बार आपके लिए बेर लाना चाहता हूं। तब तक आप इस कल्प वृक्ष की छांव का आनंद लें। छोटी सी ही तो इच्छा है देवी, पूर्ण कर दीजिए। आपके पति और इस वृक्ष दोनों का ही मान रह जाएगा। शीघ्र लौट कर आइएगा, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अवश्य। आपको यहां आना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं अपना शीश काट आपके इस प्रतीक शिवलिंग के आगे चढ़ा दूंगी, शिवलिंग के आगे चढ़ा दूंगी, शिवलिंग के आगे चढ़ा दूंगी। पुकार रहा है देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। कर्तव्य निर्वाहन के लिए हमें अमरनाथ जाना होगा देवी। कौन से कर्तव्य के लिए महादेव? पुत्र प्राप्ति के लिए।
एक बार अग्नि के ताप से महादेव ने मुझे बचाया था, बदले में मैंने एक इच्छा बताने की याचना की थी, किंतु महादेव ने कहा कि उचित समय आने पर स्वयं समझ जाओगे। आज मैं महादेव की लीला समझ गया। देवी, ये रही आपकी पुत्री। और कन्या, ये तुम्हारी माता है, देवी पार्वती। गुरुदेव, गुरुदेव, प्रणाम महादेव। देवी पार्वती, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। हे इंद्रदेव, मुझे मेरे स्थान पे लौटा दीजिए। आप किसे बुला रहे हैं? चलिए, मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ आती हूँ। किंतु पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे? माता, मैं क्यों नहीं? ये कल्पवृक्ष है, इन्हें मार्ग में कोई भी चुराने का प्रयत्न कर सकता है। माता, मैं सब संभाल लूंगी। चलिए कल्पवृक्ष। माता, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। पुत्री, शीघ्र आना और अपना ध्यान रखना।